द डेफिनेशन ऑफ एडमिशन। लेकिन जैसे देखोगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक कंटिन्यूएशन में द वर्ड इज यूजिंग एडमिशन, स्वीकृति शब्द का उपयोग है। तत्काल चेंज 24 में चेंज, संस्वीकृति कन्फेशन शब्द का, बट इट इज नॉट डिफाइंड। व्हेनेवर यू रीड दीज सेक्शंस, सेक्शन 24, 25, 26, यू विल फाइंड कि ये सब क्रिमिनल प्रोसीडिंग से संबंधित है और जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड के संबंध में ये लिखा हुआ है कि वो अपने अपराध को स्वीकार करना के बारे में ही सारी बातें कही गई हैं। तो इस सारे को निकाल कर लोगों ने कहा, एक नई अपनी डेफिनेशन बनाई, अपराध करने की स्वीकृति, कमिटमेंट ऑफ एन एविडेंस, सॉरी ऑफ एन ऑफेंस, कमिटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज कन्फेशन। अपराध करने की स्वीकृति संस्वीकृति है, एक लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और समझो, जैसे एक केस है, पटना हाईकोर्ट का केस है ये। क्या हुआ इस केस में, दो दोस्त थे, उनमें झगड़ा हुआ और झगड़ा हुआ उस झगड़े में जब वो ट्रेन में चल रहे थे, उस झगड़े में जहाँ ट्रेन का वॉशरूम होता है उसके पास ही इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ, एक दोस्त ने दूसरे को मार दिया और ट्रेन रुकी और वो वहाँ से उतर कर चल दिया और उसके जो खून के धब्बे उसके कपड़ों पे लगे, वो खून के धब्बे उसने जाकर एक छोटी सी जगह पोखर थी, पोखर मतलब तालाब तो थोड़ा बड़ा होता है, पोखर होती है जहां से लोग मिट्टी निकाल लेते हैं लेकिन वहां पानी इकट्ठा हो जाता है, पहले घर बनाने के हर गांव में होती थी, पहले मिट्टी के घर होते थे, एक स्थान विशेष को लोग मिट्टी को वहां से निकाल लेते थे, अपना घर बनाते थे और वहां बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था, उसको पोखर बोलते थे। तालाब बड़ा होता है तो एक पोखर में, जो दूर पोखर थी उस पोखर में वो अपने कपड़े साफ करता है, लेकिन पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो उसने कहा कि मैंने उसे नहीं मारा, एक आदमी आया था, उस आदमी के साथ उसका झगड़ा हुआ और जब वो मार कर उसको चला गया, लेकिन मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की जिसकी वजह से मेरे कपड़ों पर खून के धब्बे आए जिनको मैंने पोखर में साफ किया था। तो क्या इसे कन्फेशन कहेंगे? नहीं, वो स्वीकार थोड़े ही कर रहा है अपराध करना। He is not saying he committed an offense. He killed him. He is not saying. He is saying someone came and that person killed him. I didn't kill him. मैंने नहीं मारा, उसने मारा, ये बात उसने कही। तो ये confession नहीं है, this is an admission. चाहे ये बात क्रिमिनल ही मामलों में हो रही हो। Whenever we will discuss another section, you will find कि ये क्लियर क्लियर अपराध को करने से संबंधित है। आपको ध्यान आ रहा हो, जब हमने एडमिशन पढ़ रहे थे तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक आदमी जिसके काफी घाव हो रहे हैं वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से पूछता है क्या हुआ था, कि जी ऐसा है कि दो लोगों में लड़ाई हो रही थी, मैंने बीच बचाव किया, मेरे पे भी प्रहार हुए और एक आदमी ने दूसरे को मार दिया,
तो यहां पर भी एडमिशन है, कन्फेशन नहीं है। समझ में आ गया? जैसे एक एग्जांपल और है, एक मामला और था, दो लोग तालाब में तैर रहे थे। कहां तैर रहे थे? तालाब में तैर रहे थे। एक के ऊपर यह आरोप लगा कि इसने उसे मार दिया है। उसने कहा कि जब हम तालाब में जब तैर रहे थे तो एक अन्य आदमी आया, उसने उसे डुबा के मार दिया। तो वो ये कह रहा है अन्य आदमी आया था, मैंने डुबा के नहीं मारा, अन्य कोई आदमी आया उसने डुबा के मारा। तो क्या समझ में आया आपके? कि ही इज नॉट एडमिटिंग, ही इज नॉट कन्फेसिंग हिज ऑफेंस, ही इज जस्ट सेइंग एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑफेंस वॉज कम्प्लीट। वेन एवर ही इज एडमिटिंग आई कमिट दिस ऑफेंस, तब वो ये माना जाएगा। तो क्या समझ में आया? अपराध को करने की स्वीकृति, क्या चीज? एडमिशन ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। क्या कह सकते हो? एडमिशन ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। समवन इज आस्किंग यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन, परिभाषा बताओ, तो आप क्या बताओगे? यही जो मैं बता रहा हूं, अपराध के करने की स्वीकृति क्या है? धन स्वीकृति। इज इट क्लियर? अब देखो यहां से सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तो ये कंटिन्यू जा रहा है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझो, फिर मैं हम एक्ट पे आएंगे। गौर से सिर्फ सुनो, गौर से सुनो, पहले सरल हो जाएगा पढ़ना। जैसे सेक्शन 24 है, सेक्शन 24 कहता है कि कोई आदमी स्वीकार कर रहा है, ये बात ठीक है, कोई आदमी अपराध को करना स्वीकार कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोई कोई कन्फेशन रेलेवेंट होगा या नहीं रेलेवेंट होगा, इनके संबंध में ये सेक्शन है। सेक्शन 24 ये कहता है कि यदि कन्फेशन इंड्यूसमेंट से लिया गया है, थ्रेट से लिया गया है, प्रॉमिस से लिया गया है, तो इट इज नॉट रेलेवेंट, इट इज इरेलेवेंट। इट इज इरेलेवेंट मींस यू कैन नॉट यूज दिस कन्फेशन बिफोर द कोर्ट, बिकॉज सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज ओनली रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इश्यू मे प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट एज एविडेंस। न्यायालय के सामने तो आपको केवल और केवल कौन से वाले? वही पेश कर सकते हो, दूसरे पेश नहीं कर सकते। तो 24 क्या कहता है? कन्फेशन मेड बाय इंड्यूसमेंट, मेड बाय प्रॉमिस, मेड बाय थ्रेट इज नॉट रेलेवेंट। जो कन्फेशन में, जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं तीनों के लिए, जैसे मारपीट के लिए किसी को पकड़ा और पीटा, बता सही सही बता, तय नहीं अपराध किया था, तो व्हाट इज दिस? भाई आपने पीट पाट के उससे कहलवा लिया, ही इज नॉट सेइंग वॉलेंटरली, स्वेच्छा से थोड़ी कह रहा है, पीटा आपने तब कह रहा है, तो इट इज रेलेवेंट कन्फेशन, इरेलेवेंट कन्फेशन। या आपने कहा तेरे को 20,000 रुपये दे दूंगा, तू सही सही बता तैने अपराध किया था क्या? हाँ बोले किया तो मैं नहीं था, पर चलो अब गलती हो गई। नहीं, कन्फेशन ऑफ सच ए नेचर इज नॉट रेलेवेंट बिकॉज यू गेव प्रॉमिस टू पे समथिंग, कुछ देने का वचन दिया ना आपने, ऐसा कन्फेशन कैसा है? इरेलेवेंट है। या धमकी दी,
देख अभी थर्ड डिग्री यूज करेंगे, एक वीडियो दिखाया, देख पहले इस आदमी के साथ हमने थर्ड डिग्री एक वीडियो बना के रख लिया है, वैसा ही फेक वीडियो, देख कितना पीट रहे हैं और कहाँ लिटाया रखा है, बर्फ के ऊपर, और ऐसे हम पीटते हैं। अब देख ले, तेरे को भी बता दे, तेरा ऐसा ही करना हो तो हम तैयार है, नेक्स्ट रूम इसी काम के लिए है। अब वो देख के उस वीडियो को ऐसी पिटाई होगी, तो वो बताने लगा, यस आई कमिटेड दिस ऑफेंस, तो इट इज नॉट रेलेवेंट, इट इज इरेलेवेंट कन्फेशन। तो जब मारपीट के धमकी से इस तरह का जो कन्फेशन है वो इरेलेवेंट होता है। लेकिन इसके बाद में कहता है कि यदि ये स्थिति जो मारने की पीटने की है और ये हट जाती है, क्या होती है, हट जाती है, जैसे एक मामले में क्या हुआ कि पुलिस से एक अभियुक्त का नाम था संकरिया, ही कन्फेस्ड हिज ऑफेंस, पुलिस ब्रिंग हिम बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट सॉ कि इसके शरीर पे तो बहुत सारी चोटें हैं। मजिस्ट्रेट को गुस्सा आया, वो चोट कैसे बोले सर इसके तो ये चोर है, भागने भूगने में हो गई होंगी, तो मजिस्ट्रेट ने उसको जेल भेज दिया, उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं किया। पुलिस वालों ने कहा सर ये कन्फेशन करना चाह रहा है, इसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लो, मजिस्ट्रेट ने डिनाई कर दिया, बोले नो, उसे जेल भेज दिया। आफ्टर 2 वीक वंस अगेन ही ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, दोबारा आया, दोबारा लाया गया, जब दोबारा लाया गया तो वंस अगेन मजिस्ट्रेट आस्क्ड हिम कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू कन्फेस योर क्राइम और नॉट, देन उसने फिर कहा यस मुझे अपना जुर्म स्वीकार करना है। बोले आपके ऊपर कोई दबाव कोई इस तरह तो नहीं है, बोले ना मेरे ऊपर कोई दबाव। तो इसके लिए सेक्शन 24 का जस्ट अपोजिट सेक्शन है 28, कौन सा, तो यहां इस तरह का जो फियर है और ये सब हट गया है ना, तो ये कन्फेशन रेलेवेंट हो गई। कैसी हो गई, मजिस्ट्रेट जब कन्फेशन रिकॉर्ड करता है ना तो सीआरपीसी में सेक्शन 164 है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 164 में जब कन्फेशन रिकॉर्ड करता है तो वो कहता है देखो तुम्हें कन्फेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, या तुम कन्फेशन करोगे इट वुड बी कंसिडर्ड इन एविडेंस अगेंस्ट यू, मत करो, मना ही करेगा, आपके खिलाफ जाएगा ये, आप पनिश किए जा सकते हो, हाँ विदाउट एनी प्रेशर, इसीलिए तो कह रहा वो कि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मत करो चाहो तो तुम्हारे खिलाफ जाएगा। और फिर ये भी लिखता है कि कन्फेशन कराने से पहले अभियुक्त को समझा दिया था, अभियुक्त को समझा दिया था कि तुम्हें कन्फेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो सेक्शन 24 का जस्ट अपोजिट सेक्शन कौन सा होगा, 24 में ये नहीं कह रहा कि पुलिस मारपीट करती है, थ्रेटनिंग करती है, कोई करता, कोई भी हो सकता है। मैंने आपको ये भी बताया था करने के हिसाब से इसे दो नेचर में बांट सकते हैं, दो तरह के का कन्फेशन हो सकता है, एक कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एक कन्फेशन मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब है न्यायालय से बाहर, और जो न्यायालय में कन्फेशन किया जाता है, न्यायालय में जो कन्फेशन किया जाता है वो जुडिशियल कन्फेशन है, या मजिस्ट्रेट को 164 के स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कराया जाता है, दैट इज आल्सो जुडिशियल कन्फेशन। यह बात सबके समझ में आ गई। अब बात आती है
सेक्शन 25 की। सेक्शन 25 कहता है कि पुलिस को किया जाए कन्फेशन, तब कोई आदमी पुलिस को कहता है, तो ये कहता है कि पुलिस को जो कन्फेशन किया जाता है ना, दिस इज नॉट रेलेवेंट, पुलिस को नहीं मार। 25 इसलिए ही बनाया गया कि भारतीय पुलिस, स्मिथ कहते हैं, स्मिथ मतलब हु मेड दिस इंडियन एविडेंस एक्ट, कि भारत की जो पुलिस है ऐसी है, आलसी लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं जाते। यदि हम कन्फेशन को पुलिस के सामने वाले कन्फेशन को वैलिड कर देते, तो ये पुलिस वाले किसी भी अभियुक्त को लाते और दबा के पीटते और उसी के आधार पर कन्विक्शन कराते। इसलिए पुलिस के सामने पुलिस को किया हुआ कन्फेशन इररिलेवेंट होता है। क्या होता है? अच्छा इररिलेवेंट होता है। लेकिन जैसे एक केस आया, बिहार का एक केस है, उस केस में क्या था, एक अपराधी जिसने अपनी चाची की हत्या कर दी, चाची के दामाद की हत्या कर दी, चाची की बेटी की हत्या कर दी, उनके आपस में लड़ाई चल रही थी खेती बाड़ी को लेकर, उन सब की हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो पहुंच गया थाने और कहा कि मैंने अपनी चाची, चाची के दामाद शोभरा और इन सब की हत्या कर दी। पुलिस वालों ने से कहा कि कहाँ कर ये चल दिखा, लेकर भी चला गया। बोले काहे से करी है? बोले कुल्हाड़ी से किए, चलो मैं तुम्हें कुल्हाड़ी बरामद करा देता हूँ। वो कुल्हाड़ी भी लाके उसने दे दी, कहीं डाल दी थी वहां से। इस कन्फेशन को वैलिड कन्फेशन माना गया, क्योंकि यहां कन्फेशन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा कहता है आई कमिटेड एन ऑफेंस, मैंने एक अपराध किया, और दूसरी बात कह रहा है चलो तुम्हें मैं वो बरामद करा दूं। तो ये बात तो आ रही है सेक्शन 25 में, तो ये तो इरेलेवेंट हो गई। लेकिन ही गेव एन इंफॉर्मेशन, क्या दी? इंफॉर्मेशन कि चलो वो चीज वहां रखी है, यू कैन रिकवर दिस थिंग, और उसकी सूचना के आधार पर वो वेपन क्या कर लिया जाता है, रिकवर कर लिया जाता है, कुल्हाड़ी रिकवर कर ली जाती है। जब कुल्हाड़ी रिकवर कर ली जाती है एट द इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस, तो ये जो बात है ये वैलिड हो जाती है। ये बात तो ये कौन सा सेक्शन था? ये सेक्शन 25 के साथ में इंफॉर्मेशन का सेक्शन 27 था, इंफॉर्मेशन गिवन बाई एक्यूज्ड। तो इसमें क्या समझ में आई? आपके समझ में आया कि सेक्शन 25 में जो एक्यूज का कन्फेशन है इट इज इरेलेवेंट, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन में अपराध में यूज किए हुए आर्टिकल, यूज की हुई चीजें बरामद कर ली जाती हैं, तो इट सेल बिकम वैलिड कन्फेशन। तो यू कैन से 27 इज द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 25। समझ में आ गई सबके?